अस्सलाम वालेकुम। आज आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए आधा किलो आलू लिए थे। इनका छिलका उतार कर लंबाई में काट लिया है। एक कप कॉर्नफ्लावर और एक चाय का चम्मच नमक। सबसे पहले आलू को ब्लांच कर लेंगे। आलू को ब्लांच करने के लिए हमने पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे और आलू डालकर इनको 1 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। आलू को 1 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब इनको पानी से निकाल लेंगे। आलू को पानी से निकाल लिया है। अब इसको किसी कपड़े पर फैला देंगे और इनको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। आलू जब खुश्क हो जाएं तो इन पर कॉर्नफ्लावर लगा देंगे। आलू पर कॉर्नफ्लावर लगा दिया है। अब इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें आलू डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राइज फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके फ्रेंच फ्राइज कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।